हिसार में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा का वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की तो बच्चों और युवाओं ने रंगारंग कार्यक्रम किए। इस रिपोर्ट में देखेगा। रंगारंग कार्यक्रम, स्पोर्ट्स खेलते बच्चे और छुट्टी का दिन, इसी का लुत्फ उठाने सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि हिसार के राहगीरी कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम के साथ साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। पहलवान योगेश्वर दत्त भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी थे। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने पानी बचाने का संदेश दिया तो भंगड़े पर भी लोग जमकर थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जमकर खेलों का लुत्फ उठाया, फिर चाहे वो कबड्डी हो या कुश्ती हो या फिर बैडमिंटन। खेलों के लुत्फ के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया और राहगीरी का महत्व समझाते हुए कहा कि संडे इज फंडे। मुझे खुशी है कि आज भी 2.5 वर्ष बाद रविवार के दिन, संडे के दिन, जिसको हमने एक बार कहा था It is not only Sunday, but it is fun day. Sunday is ये fun day. अर्थात खेल खेल में अपने जीवन का विकास करना, अपनी कलाओं के माध्यम से अपने जीवन का विकास करना, हमेशा खुश रहना, हमेशा तनाव मुक्त रहना, और जो युवा, जो नागरिक तनाव मुक्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो न केवल सिटीजन स्वस्थ रहेगा, ये हरियाणा स्वस्थ होगा, ये भारत स्वस्थ होगा। स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा, स्वस्थ नागरिक, ये विषय हमको आगे लेके बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए प्रदेश के 19 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को न्योता दिया गया था। इसके अलावा एक स्टेट लेवल खिलाड़ी को भी बुलाया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 35,000 से ज्यादा लोग पहुँचे, तो वहीं इतने लोगों की भीड़ को संभालने के लिए रेंज भर से 1,250 पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं को तनाव मुक्त करने के लिए राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कोई कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इन कार्यक्रमों से किसी पार्टी को कम ज्यादा वोट नहीं होने वाले हैं, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तनाव मुक्त रहे, हम आगे बढ़े, खुशी हो, हम खुश रहे, इसका ये उद्देश्य रखते हुए हमने इन सब कार्यक्रमों का अभियान को आगे किया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस मौके पर मौजूद रहे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए IPS OP सिंह को मंच पर बुलाकर मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित करवाया। तो सफल बनाने के लिए जो इसके पीछे का ब्रेन बिहाइंड द शो वो है मिस्टर ओपी सिंह, IPS, उनके लिए स्पेशल अवार्ड। हर रविवार को हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में राहगीरी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और काफी संख्या में हरियाणा के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सभी सरकार की सराहनीय पहल को बखूबी आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी राहगीरी के जरिए लोगों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जनता TV के लिए हिसार से प्रदीप दुहन और स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।